राजस्थान के जोधपुर में एक ट्रैफिक हवलदार को चालान काटना भारी पड़ गया, क्योंकि एक बुलेट सवार युवक पुलिस वाले के हाथ से चालान मशीन ही छीनकर भाग गया। मिली जानकारी के मुताबिक हेड कांस्टेबल चंबालाल ने बुलेट सवार युवक को हेलमेट नहीं पहनने पर रुकवाया और इलेक्ट्रॉनिक मशीन से उसका चालान काटने लगा। इसी दौरान बुलेट सवार युवक ने उसके हाथ से झपट्टा मारकर मशीन छीन ली और भाग निकला। चंपालाल ने दौड़कर उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वो गिर पड़े। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वहीं पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बुलेट सवार का पता लगा रही है।